ठाक होंगे। और आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो सॉन्ग मैंने गाया है इसलिए गाया है कि मेरे जो देवर हैं वो जा रहे हैं बाहर, जो कि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि काफ़ी अर्सा पहले, तकरीबन 6-7 महीने पहले उनका वहाँ पे रोड एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उनकी टांग जो है वो फ्रैक्चर हो गई थी और वो दुबई से वापस आ गए थे, इसलिए कि वहाँ पे अपना काम कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। उनको तो माँ की तरह तो कोई भी उनका ख्याल नहीं वहाँ पे रख सकता था, इसलिए वो आ गए थे वापस। तो अब माशाल्लाह से वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं और अच्छे से किसी भी चीज़ के, किसी भी सहारे के बगैर चलना फिरना शुरू हो गए थे माशाल्लाह से। तो अब वो दोबारा अपना काम ज्वाइन करने के लिए दुबई वापस जा रहे थे, तो हम सब लोग उनको छोड़ने गए थे लाहौर इलामकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा एयरपोर्ट था, मैं पहली दफ़ा गई थी तो काफ़ी साफ़ सफाई और सब लोग सब जो चीज़ें थी ना वहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो ये जी हम लोग लॉबी एरिया में, वेटिंग रूम में, वेटिंग एरियाज में, एरिया में एंटर हो गए थे। यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने वेट किया था और फिर बाद में अचानक से हमें पता चला कि जो कोरोना की रिपोर्ट हम लोग इधर से करवा के लेके गए थे वो जिस लेबॉर्टरी से करवाई थी वो फेक थी और वहाँ पे जाके ये वाली ट्रेजिडी होगी। अब ये हमारे साथ ट्रेजिडी होगी, लेकिन प्लस पॉइंट इसका ये था कि उन्होंने हमें, हम लोग जल्दी चले गए थे, उन्होंने हमें बोला कि आप उनकी प्रेफर करदा जो लेबॉर्टरी थी वहाँ पे जाओ और जाके वहाँ से 1 बजे से पहले पहले आप टेस्ट करवा के वापस आ जाओ। तो जी यहाँ पे बिलाल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, लेकिन ये है कि सब लोग साथ थे तो सहारा बन रहा। ये है जी वेटिंग एरिया वो वाला जहाँ पे सब जो रिलेटिव्स हैं वो अपने आने वाले जो अपने सारे जो प्यारे हैं उनके, उनका जो वेट कर रहे थे यहाँ पे खड़े होके। तो एक फ्लैट लैंड की थी, आई नो मेरा ख्याल एक कतर की थी, तो वहाँ से ये जो पैसेंजर है वो आ भी रहे हैं। तो जी हम लोगों ने फिर वहाँ पे वो लेके गए बिलाल को, उसका कोरोना का टेस्ट करवाया और माशाल्लाह से वो नेगेटिव आ गया। तो जी 1:30 बजे से पहले पहले उसकी जो रिपोर्ट है ना वो जमा करवा दी, तो ये जो इशू था ना वो सॉल्व हो गया और सब ने कलमा पढ़ा, शुक्र का के शुक्र है भाई एयरपोर्ट पे आके ये वाली चीज़ जो है ना हमें नहीं देखने को मिली। हम लोग जो थे वो कभी अंदर चले जाते थे, कभी बाहर आ जाते थे, क्योंकि 2:30 बजे की उसकी फ़्लैट थी और हम लोग काफ़ी ज़्यादा ना पहले चले गए थे, तकरीबन हम लोग 8 बजे वहाँ पे पहुँच चुके थे और हम लोग कभी अंदर जाते थे कभी बाहर आते थे, हम लोग अच्छे खासे नज़ारे ले रहे थे। और पता है आपको पंजाब की हम आवाम है तो हम लोग तो एक जगह पे टिक के बैठ नहीं ना सकते, अगर हम लोग एक जगह के पे टिक के बैठ जाए तो हमारे तो घोड़े दर्द करने लग जाते हैं। और साथ ही बिलाल को भी हम लोग घुमाए फिर रहे थे जी, आज जो जी बाहर चलते हैं और अंदर चलते हैं। फिर जी टाइम हो गया था बिलाल साहब के जाने का, तो जी हम लोग तो ज़रा पीछे खड़े होके नज़ारे ले रहे थे तो वो सबको मिल रहा था। तो ये है कि हमारी तो आंखें भी नम हो गई थी, बिलाल बाहर जा रहा था, ये सबका चीज था प्यारा लाडला है। और ये है कि हमारी फैमिली में कोई भी बाहर गया नहीं है ना, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा फील हो रहा था। तो ये है कि जब फैमिली मेम्बर्स कोई भी नहीं बाहर हों तो इतना ज़्यादा बंदा नहीं ना होता कि बाहर चला गया तो चलो कुछ नहीं होता। तो ये है कि यहाँ में पाकिस्तान में नौकरियों का तो आपको पता ही क्या हाल है, तो फिर घर फारग बैठ के तो चलते नहीं हैं, इसलिए अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो उसको वेल करना चाहिए। तो इसलिए बिलाल चला गया जी अपना दुबई चला गया, वहाँ पर जाके मौज मस्तियाँ करेगा और काम शाम करेगा, अल्लाह पाक उसको सेहत और तंदुरुस्ती दे। और यहाँ भी बिलाल साहब जा रहे थे और हम लोग जी पीछे पीछे थे इसके, लेकिन थोड़ा आगे जाके कस्टम वालों ने वीडियो नहीं बनानी थी तो हल्का सा ही बाय किया इसको, कस्टम वालों से डर के थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। तो ये जा रहा था तो पीछे पीछे मैं और वकार साहब थे, तो जी ये वीडियो बनाई और उसके बाद आप देख सकते हैं लगेज लेके वकार ये जो बिलाल है वो अंदर चले गए थे और थोड़ी सी इसकी चोरी चोरी हम लोगों ने वीडियो बनाई थी। और ये जी गए हैं बिलाल साहब अंदर, लेकिन हम लोग वहीं पर बैठे रहे थे, हम लोगों ने उसका वेट किया था कि कब वो ओके का सिग्नल देता है और हम लोग कब घर जाते हैं, वो ओके किया उसने तो हम फिर घर आए थे। तो जी आपको आज का व्लॉग मेरा पसंद आया हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग और मेरी जी कमेंट्री कैसी लगी है। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।